सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि MIUI 12 का जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन है वो 19 तारीख को ऑफिशियली रिलीज किया जाने वाला है। उसके तुरंत बाद ही आपको 2 या फिर 3 दिन में इसका जो बीटा टेस्टिंग है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया है कि इंडिया में कौन से डिवाइस में आपको MIUI 12 का अपडेट मिलने वाला है, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए और वो कब तक आपको मिल जाएगा उसके बारे में भी एक वीडियो बनाकर हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक स्केड्यूल तैयार किया है, ये स्पेशली इंडिया के लिए है, यानी कि इंडिया में जो भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं अभी तक MI के, उनमें से कौन से फ़ोन में आपको MIUI 12 का अपडेट मिलेगा वो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, और ये कब तक आपको मिल जाएगा वो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये ऑफिशियल नहीं है, यहाँ पर मैंने जो है वो अंदाज़ा लगाया है कि कब तक आपको इसमें अपडेट मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने पॉपुलैरिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से यहाँ पर 3 लिस्ट तैयार की है। सो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बैच की। तो यहाँ पर फर्स्ट बैच है वो मई से लेकर जून तक चलने वाला है, यानी कि जून तक आपको इन सभी फ़ोन में MIUI 12 का जो स्टेबल अपडेट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिवाइस आता है इस लिस्ट में वो MI 10 5G है, क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, तो यहाँ पर Redmi K20 Pro, Redmi K20, उसके बाद आता है Poco F1, Redmi Note 7 7S, और यहाँ पर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max, उन सभी डिवाइस में आपको MIUI 12 का जो अपडेट है वो फर्स्ट बैच में प्रोवाइड किया जाने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर सेकंड बैच की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड बैच में आता है Poco X2, उसके बाद Redmi Note सीरीज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं Redmi Note सीरीज की, तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro, उसके बाद आता है Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6, इन सभी डिवाइस में आपको सेकंड बैच में MIUI 12 का जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट है वो प्रोवाइड किया जाने वाला है। उसके बाद लास्ट बैच की बात करें, तो इन सभी फ़ोन में जो भी बाकी रेडमी के डिवाइसेस है, जैसे कि रेडमी Y2, Y3, उसके बाद रेडमी 8 सीरीज, 7 सीरीज, 8A ड्यूअल और रेडमी 6 सीरीज लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो है वो लास्ट बैच वो जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई तक आपको जो है वो MIUI 12 का अपडेट है वो इन सभी फ़ोन में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ डिवाइस है जिसको मैंने कुछ अनऑफिशियल साइट से उससे लेकर यहाँ पर ये लिस्ट तैयार किया है। अगर गाइस आपके पास इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ है या फिर इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाकर आपको इसी चैनल के द्वारा शेयर कर दूँगा। सो गाइस आशा करता हूँ कि इससे आपके कुछ सवाल है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका मैं वहीं पर आंसर दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइस ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।